तो आई लाइक द ट्रेडिशन, मुझे बहुत अच्छा लगा। सो हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माई चैनल एजे के खट्टे मीठे ब्लॉग। सुबह के बज रहे हैं 6:15, तो हल्का हल्का जो है उजाला आप देख रहे हैं पीछे से हो गया हुआ है स्टार्ट इधर, और जो है सुबह के प्रोग्राम चल रहे हैं। अमूल्य जो है नहा रहा है अभी, मैं और अमूल्य स्कूल जाने की तैयारी कर रहे हैं। आज से जो हमारा स्कूल टाइमिंग है वो चेंज हो चुका है, जल्दी जाएंगे, तो मतलब अराउंड 7 o'clock हम जो है घर से निकल जाएंगे, मैं और अमूल्य। आदित्य जो है वो घर में ही रह रहा है, प्रिपरेशन करेगा वो अपने एग्ज़ाम्स की। तो अभी के लिए बनाई है घी की सब्ज़ी, और ये अजवाइन का पानी जो है उबल रहा है बल सब के लिए, उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, और बाकी सारा ऑलमोस्ट काम फिनिश है, और टिफ़िन जो है अभी पैक करने हैं, और बस। तो अभी फटाफट से तैयार होते हैं और चलते हैं स्कूल को। तो अभी स्कूल को जा रहे हैं हम, मैं और अमूल्य हैं गाड़ी में, और सुबह का टाइम है ना, मतलब वैसे तो तय समय से हम जो है ना वो 5 मिनट लेट चल रहे हैं, तो इसलिए अमूल्य का थोड़ा मूड ख़राब है। जब हम लेट हो जाते हैं तो अमूल्य को बहुत टेंशन हो जाती है, लेकिन खाली सड़कें हैं तो क्योंकि बना अर्ली है ना हम आज, तो जो है खाली सड़कें हैं तो फटाफट पहुँच जाएँगे अभी हम। सो इसलिए अभी स्कूल से आते हैं तो फिर करते हैं बाकी बातें आपके साथ। शाम के अभी 5 बज गए हैं, और स्कूल से आकर के हमारे जो हैं वो क्लोज जो हैं मोहल्ले में ही, अभी शादी है उनके कल की, तो उनके लंच था, तो आज हम लंच पे गए थे बच्चे और मैं स्कूल से आकर के। आदित्य घर में था, घर से उसको लिया, फिर हम लंच पे गए, फिर से रेस्ट करके अब जो हैं बाज़ार आए हुए हैं। सो काम क्या था, कुछ सब्ज़ी वगैरह लेनी है, और कुछ जो है अमूल्य के 2 रैकेट्स थे उनको कटिंग करवानी थी, अभी उसका कल भी चक्कर लगाया था, आज फिर से लगाया है, जिसके कि अमूल्य को बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, वो काम नहीं हुआ करके आज आए थे अभी कि चलो अभी सब्ज़ी भी लेनी है, साथ साथ तुम्हारा भी काम करवा देती हूँ, तो वो पता चला शॉप जो है वो फिर से बंद है। सो ये सब है, चक्कर पे चक्कर लग रहे हैं लेकिन काम नहीं बन रहा है, तो अमूल्य को भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। सो ऐसा है, सो अभी जो है वो घर जा रहे हैं, और फिर घर जा के अगला काम करते हैं। आदित्य घर में ही है, मैं और अमूल्य आए हैं अभी। सो हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, और हमारे डे की शुरुआत हो गई है फिर से, और अभी जो टाइम बज रहा है दैट इज़ 4:55, तो मॉर्निंग के 4:55 हुए हैं, दिन की शुरुआत हमारे लिए हो चुकी है, और अभी मीन्स दिन की शुरुआत हुई है भगवान जी को जय करने के साथ से। सो अभी जो है देखते हैं बाहर का क्या सीन है। सो बाहर अभी तक भी पूरा अंधेरा है, और बस 1-2 स्टार्स हैं सामने दिख रहे, और डॉगी की आवाज़ आ रही है आपको गली से। चलिए रूम में एंटर करते हैं और काम शुरू करते हैं। काम की शुरुआत करते हैं पहले टोकरी सेट करने से, और उधर मैंने वॉशिंग मशीन जो है वो ऑन कर दी है। तो फाइनली डिसाइडेड कि ब्रेकफास्ट लंच में क्या बनने वाला है अभी, ये तो बनेगी आलू बैंगन की सब्ज़ी, और ये रह गए आलू जो कल लेके आए थे। सो साथ साथ में ये जो गोभी, गाजर और बंद गोभी का बनेगा बच्चों के लिए परांठे, मीन्स ब्रेकफास्ट के लिए 4 परांठे बच्चों के लिए सिर्फ, और ये जो शिमला मिर्च है, और थोड़ी सी गाजर, थोड़ी सी बंद गोभी के साथ थोड़े से राइस बचे हैं कल के दोपहर के, तो इनको जो मिक्स करके थोड़ी सी फ्राइड राइस टच दे दूँगी। सो ये रहा अभी का काम। इधर कप आ गए हैं जिनमें कि चाय डलेगी, चाय अभी मैं बनाने वाली हूँ।
फाइनली कटिंग और चॉपिंग इज़ ओवर। तो ये रहा हमारा आलू बैंगन की सब्ज़ी का काम। ये जो राइस को थोड़ा सा तड़का लगाएंगे फ्राइड राइस के लिए, और ये रहा बच्चों की पराठी का सामान। अब इसको जो है जल्दी से प्रोसेस करते हैं और खाना बनाते हैं। तो सब्जियां वगैरह बनाने का काम ऑलमोस्ट ओवर हो गया है, और पीछे जो है रोशनी भी आ गई है, मतलब कि अराउंड 5:45 का टाइम हो गया है अब। और अब सिर्फ बचा है मेरा काम चपाती बनाने का, पैकिंग वगैरह का, और अमूल्य को देखना है कि कहां तक उसकी तैयारी पहुंची है। तो चल पड़े अब हम स्कूल को, और नॉर्मल जो टाइम सोचा था बिल्कुल एग्जैक्ट उसी टाइम पे हैं। तो अभी 7:00 ही हुए हैं और हम ऑलरेडी हाफ वे पहुँच गए हैं, और जो है रास्ते आज भी खाली हैं, रोड्स खाली हैं, तो इसलिए जल्दी से अभी 5-7 मिनट में हम जो है स्कूल पहुँच जाएंगे। सो अमूल्य टुडे हैप्पी, आज तो मम्मा लेट नहीं हुई। अमूल्य को टेंशन हो जाती कि करते क्या रहते, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो। थोड़ा थोड़ा तो काम होता है, पर अमूल्य को पता नहीं ना कि जब काम करने लगो तो टाइम लगता है उसको, है ना। और सब चीज़ की सेटिंग करनी और सबका इंतज़ाम करना मॉर्निंग में, सो दैट किसी को कोई परेशानी ना हो, तो सब करना पड़ता है। सो लेकिन फिर भी सब कुछ करके आज हम टाइम पे जो है वो निकल गए हैं स्कूल के लिए। सो मिलते हैं अब स्कूल से आकर के। तो है डिज़ाइनर कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी मेड बाय आदित्य एंड अमूल्य, है ना। तो ये रहा आज का इवनिंग स्नैक। और भी है, और हमारा इवनिंग टी ये रही, और पापा की और मम्मा की। सपना ऑन लुकर्स ओनली, सपना नॉट गोइंग टू मैरिज। टिको ड्रोन। कल जहाँ हम गए थे ना लंच पे, वहीं अभी ये शादी उन्हीं की है। सो हम नहीं गए आज, कल गए थे शादी पे, बच्चे रात को डीजे पे भी, कल लंच पे गए थे, बच्चे रात को डीजे पे भी गए थे, और हम बारात के साथ नहीं गए क्योंकि थोड़ा दूर का मामला है। इसलिए जो बारात जो है वो भी टाइमली ही 7:00 निकल गई है, सो दैट उनको 1.5 आवर लगेगा अभी डेस्टिनेशन पे। और सो वी थॉट कि रात को आने में बहुत लेट हो जाएगा, फिर बच्चों का भी सुबह को स्कूल है, मेरा भी है, तो इसलिए वी थॉट कि वी ड्रॉप द आइडिया ऑफ अकम्पनिंग द बारात। ठीक है जी, सो अभी चलते हैं किचन की तरफ, देखना है क्या बनाना है। एक और अच्छी सी बात ट्रेडिशन में शेयर करती हूँ इस फैमिली के, जिनके साथ जिनकी अभी शादी है जिनके घर में, कि उनके पिछले कई पीढ़ियों से, मतलब उनके घर में ऐसा रिवाज नहीं है बच्चों की शादी के मौके पे किसी से शगुन लेना या लड़की वालों से भी कुछ लेना किसी टाइप के गिफ्ट्स। तो आई लाइक द ट्रेडिशन, मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब पूरे गांव में, रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में, दे डिड नॉट एक्सेप्ट द एनवेलप्स, शगुन के जो एनवेल्प होते किसी से भी नहीं लिए। तो आई लाइक दैट थिंग, और मुझे लगा कि यही ट्रेडिशंस जो है वो कंटिन्यू होने चाहिए अगर कोई कर सके तो। तो दैट थिंग आई लाइक द बेस्ट अबाउट दिस मैरिज। हम नहीं जा पाए, थोड़ा दूर था, पास होते तो बारात में ज़रूर जाते। चलिए अब चलते हैं, बढ़ते हैं अपने किचन की तरफ। खाना तो हमने भी खाना है, शादी में नहीं गए तो वी मिस्ड दैट लाइक स्टफ़, शादी वाला स्टफ़, लेकिन बनाएंगे कुछ अभी, खाएंगे। तो 8:30 बज गए अभी, और बच्चे वाले सब खाना खा चुके हैं, और अब मेरी बारी है। सो मैंने सोचा चलो आपको भी इनवाइट कर लेते हैं साथ, चलिए सारे डिनर करते हैं पहले, फिर करते हैं बात। इनका काम ओवर हो गया है, और इधर दही जमाने के लिए दही भी डाल दिया है, ये दूध फ्रिज में रखना है, जो है काम ख़त्म हो गया है यहाँ का।
सो किचन का काम फाइनली ओवर है और मतलब अभी तक आते आते ना तो इतनी ज़्यादा ख़राब हालत हो जाती है ना कि बस पूछिए ही मत, है ना। लेकिन फिर भी काम तो करना ही है, मतलब कि स्कूल से आके पहले हालत ख़राब होती है, एक बार जो ग्राफ जो है डाउन जाता है और उसके बाद जो है थोड़ी सी रेस्ट करते हैं, नॉर्मल हो जाता है और अब जा कर के 9:30 बजे ग्राफ जो है मतलब लोएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाता है इस टाइम पे आके। बट फाइनली काम ओवर है, सुबह बहुत जल्दी जाना है, बहुत जल्दी, क्योंकि आजकल जो है वो ड्यूटीज़ वगैरह होती है मॉर्निंग में, वहाँ भी जल्दी पहुँचना है। बट हालत ख़राब हो या ना हो डटे रहेंगे। तो न्यूज़ अभी सुन रही थी रशिया यूक्रेन का, फिर से वॉर की न्यूज़ आ रही है ना, तो उधर जेलेंस्की डटा हुआ है, इधर हम डटे रहेंगे, छोड़ेंगे हम भी नहीं। सो और मैं तो बोलती हूँ कि हमें तो इंस्पिरेशन लेनी चाहिए उससे, ठीक है, कि कितने दिनों तक वो डटा हुआ है। मतलब अभी तो उसको एक्सटर्नल हेल्प भी आ रही है लेकिन वो डटा हुआ है। ऐसे ही हम भी रोज़ अपनी अपनी लड़ाइयाँ हैं, सबकी अपनी अपनी जंग है ज़िंदगी के साथ, तो चले रहेंगे, डटे रहेंगे, करते रहेंगे और डे ख़त्म होता है तो अगला डे आता है। तो बस इसी आशा के साथ, इसी होप के साथ कि नेक्स्ट डे बेटर होगा, बेटर होगा, वी कीप ऑन मूविंग, है ना। यही लाइफ है, यही ज़िंदगी है। तो आप भी डटे रहिए और हमारे चैनल को ज़रूर देखते रहिए, डटे रहिए जब भी टाइम मिले, और अगर पसंद आए तो लाइक करिए और एक छोटा सा कमेंट छोड़ दीजिए, ना पसंद आए तो बोलने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं पसंद आया, तो चुपचाप से आगे बढ़िए और अगले व्लॉग का वेट करिए। सो थैंक यू वेरी मच टू यू ऑल फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। तो मिलते हैं जल्दी एक नए व्लॉग के साथ।